अब आप लोग को बता ही देते हैं कि डॉक्टर के पास हम लोग गए थे किस लिए। तो डॉक्टर के पास हम लोग इसलिए गए थे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी अभी देख रहे होंगे मेरे हाथ में आंवला का जूस। पहले आंवला का जूस पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, तो यह था आंवला जूस। कई ब्लॉग में हमने दिखाया है, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले यही पीते हैं, लेकिन बहुत दिनों से हम इसको पी नहीं रहे थे, तो सोचा कि अब फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आंवला पीने का आप लोग जानते हैं कितना फायदा होता है। आज का मौसम जो है लग रहा है थोड़ा साफ है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो जा रही है कटिहार में, लेकिन आज कुछ राहत है। कल जिया का डॉक्टर से चेकअप करवाना था, इंद्र देवता मेहरबान थे तो चेकअप करवा दिए। और बाकी जी अब हम जाते हैं जल्दी से फ्रेश होकर के बैठते हैं अपने काम पर। जी हमने टेबल के लिए ले लिया था यह एक कार्टन, सोचा था कि जितना भी हमारा गैजेट है सारे गैजेट को इसमें रख देंगे और टेबल मेरा खाली रहेगा, लेकिन देख सकते हैं कार्टन भी कम पड़ गया है, इतने सारे गैजेट हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं हमारे टेबल का क्या हाल है, तो जल्दी से इसको अरेंज करते हैं हम लोग। कि मेरा काम करने का अपना एरिया जो है वह हो चुका है बिल्कुल साफ और तैयार, बस एक दिक्कत रह गई है, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। दिन में कम से कम 10 बार खोता है चश्मा आपका। तो पत्नी महारानी है ना, 10 बार खोज देती है, तो हम अभी नहीं खोजेंगे। तो अब काम कैसे करेंगे हम, तो जल्दी से चश्मा ढूंढ दो। रात से ढूंढ रहे मिल नहीं रहा। बहुत आप नखरे करते हो मेरा काम करने में, हम नहीं ढूंढ के देंगे। जाइए जल्दी दे दो प्लीज। छत पे गए थे आप, छत पे जाके देख आई एक बार। छत पर हम छोड़े होंगे, उम्मीद नहीं है। एक बार छोड़े थे कि नहीं, चलो देखते हैं एक बार फिर। तो चलिए छत पर जा करके देखते हैं, मिल जाए शायद मेरा चश्मा। यहाँ पर रात में बैठे थे, बाकी हम वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर छोड़े होंगे, तो यहाँ तो चश्मा है नहीं, नहीं मिला चश्मा। ढूंढ तो ना, देखो घर में कहीं पर होगा, हम ढूंढे हमको मिला नहीं, पता नहीं कहाँ है। जी हमें चश्मा तो मिला नहीं, उसके बाद सोचे कि अपना जो ब्लैक कलर का मेरा बैकड्रॉप है वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। खूब ढूंढ लिए, तो उसके लिए देख सकते हैं कितने सामान को बाहर निकाला जा चुका है। आप कब ढूंढे हमको ये बताइए, आप कब ढूंढे? अरे हम ढूंढे तुम ढूंढे बात बराबर ना, ढूंढे तुम ढूंढे बात बराबर ना। A few moments later. लीजिए यह मिल गया है, तो जिया को मिला यह एक छोटे से झोले में जो दीवान के एकदम अंदर में जा चुका था, तो इस दीवान के अंदर मेरा तो घुसना बहुत मुश्किल था, तो जिया आराम से घुस जाती है इन सब दीवानों के अंदर। One hour later. ये रहा मेरा चश्मा, इस चश्मे को पहले पहन लेते हैं, इसके बाद कहानी बताते हैं। बहुत ही मुश्किल से यह चश्मा मिला है हमें, आज सुबह से हमें चश्मा मिला नहीं, और चश्मे के बिना हम काम भी नहीं कर पाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा चश्मे को, ऊपर में जितना फ्लोर है एक एक रूम ढूंढ लिया, नीचे में ढूंढ लिया, हम लोग रात में वॉक करने जाते हैं छत पर वहां जाकर भी ढूंढ लिया एक बार, फिर उसके बाद बाथरूम में भी जाकर के ढूंढा। कई बार क्या होता है बाथरूम जाते हैं तो चश्मा खोल के रख देते हैं बगल, कौन है ये लोग, वहां भी नहीं मिला। हम लोगों ने बेड को उलट पलट कर दिया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा जी, पूछिए मत। परेशान करके रख दिए मुझे, एक आंख में दर्द हो रही है, बिना चश्मा का मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, और चश्मा मिला कहाँ? तो हमारा चश्मा कहाँ मिला जी, अभी जो आपने चश्मा का डब्बा देखा था ना, यह वाला डब्बा, इस चश्मे के डब्बे में हमारा चश्मा मिला, जबकि कभी नहीं रहता। One eternity later. जी अभी हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के, हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है, तो वहीं पर जा रहे हैं, और वहीं पर हमारे जितने भी बचपन के दोस्त हैं सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर मिलते हैं आप लोगों से। हम आ गए हैं अपने दोस्त के यहाँ, और यहाँ पर हमारे सारे हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। एक क्लासमेट जो है जो पीछे छिपा हुआ है, सामने आ जाओ नींदनी। किस बात का शर्म है? यहाँ पर केक लग चुका है और हवा भी काफी तेज है, तो कोशिश कर रहे हैं कि दिन बाद ये हो रहा है बिल्कुल, कि हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है जब भी स्कूल टाइम में रहे हैं। उस टाइम भी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, सभी लोग अब बाहर जा करके इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं। और बहुत ही मामूली सा हो रहा है, पर सभी लोग इकट्ठा हो गए यही बहुत बड़ी बात है। हाँ तो शिवम फूक देना, ये तो हवा फूक देगा उसको। अरे एनर्जी है ही नहीं तुम लोग। हैप्पी बर्थडे टू शिवम।
अरे शुगर दे नहीं तुमको ले तू सासो। ये शिवम हम ही खाएंगे। लॉकडाउन के बाद ये पहला बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक कटिंग वाला बर्थडे सेलिब्रेट। अच्छा इसी का नंबर है। इसके बाद इसका बर्थडे इसका बर्थडे कब है? अगस्त 23 अगस्त 2020। तो जी यहाँ पर हो गया हम लोगों का सेलिब्रेशन, और अभी जो है एक दोस्त का आना बाकी रह गया है, लेकिन उसके लिए केक थोड़ा छोड़ देते हैं हम लोग, तो वो आएगा। उसको बाइक मिल नहीं पा रहा है। उसके पापा ले गए क्या? हाँ पापा ले गए। अच्छा चटनी लेना है किसी को? चटनी बिल्कुल लेना है, चटनी के बिना समोसा अधूरा है भाई। सरसों का लिया है कि उसका मीठा? मीठा वाला ही रहता है। हेलो हेलो कौन सा बॉल लेना है? बॉल कहाँ है वहाँ पर? कोई ये बॉल है? हम जाओ। ये पिकाचू है। One hour later. और अब जिया जो है रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। कुछ देर पहले ही सारे बच्चे चले गए, और जब बच्चे घर में थे जी एकदम उधम मचा हुआ था घर में। हलचल पूरा बचा हुआ था। अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, कई बार बच्चों की शैतानी से जो है कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होता। हम चाहते हैं जितना शैतानी करे और अच्छा है, मजा आता है, और उसमें हम और साथ दे देते हैं कि और शैतानी करो। तो हाँ जी, बहुत बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे पड़ोस के ही वो सब बच्चे हैं, हमें भी नहीं मालूम था। तो कल आंटी जी आई थी उन सब बच्चों को लेकर के, तो काफी अच्छा लगा। और हाँ जी, सोच रहे हैं कि आप लोग के एक और सवाल का जवाब दे दे। जब हमने लास्ट ब्लॉग डाला था, जब हम जिया को चेकअप के लिए लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इतने सारे कमेंट आ रहे थे। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो भी कमेंट किए होंगे कि कौन से कमेंट की हम और बात जी कर और जो भी रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि हम लोग किस कमेंट की बात कर रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, रील्स भी हम कुछ कुछ बना रहे थे, तो उसपे भी कमेंट आ रहा था जिया के फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, जिया मोटी होते जा रही है। बिल्कुल, तो जिया पक्का प्रेग्नेंट है क्या? जी हाँ बिल्कुल, यही सवाल रहता है सभी के जुबान पर जब भी हम चेकअप का वीडियो डालते हैं। जी देखिए, आप लोग का भी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं, ये हम लोग आप लोग के फीलिंग की कदर करते हैं। लेकिन जी जब भी इस तरह का कोई भी गुड न्यूज आएगा ना, आप लोग को बता देंगे, सबसे पहले आप ही लोग को बताएंगे। और हाँ जी एक बात बता दीजिए, कभी कोई कहता है कि जिया थोड़ी हेल्दी होती जा रही है, कोई कह रहा है कि जिया सूखती जा रही है, असल में क्या हो रहा है आप लोग बता दीजिए। मैं तो लग रहा था कि जिया का हेल्थ जैसा है वैसा ही रह गया है। जो ना... रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे होंगे ना, वो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या सच है। हमें तो सच में पता नहीं है क्या सच है नहीं है। अब आप लोग को बता ही देते हैं कि डॉक्टर के पास हम लोग गए थे किस लिए। तो डॉक्टर के पास हम लोग इसलिए गए थे, जिया का जो है हेल्थ हमें लग रहा था कि बार बार डाउन होता जा रहा है। पता है कि हम जब दिल्ली में थे तो हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी, तो एक रेगुलर चेकअप भी जो होता है ना उसके लिए भी गए थे। और हम सोच रहे थे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना हमेशा मतलब खराब ही चलता था, तो हम सोचे एक बार डॉक्टर से हमेशा लो रहता है, जब भी जांच करते थे लो ही रहता था, तो हम सोचे एक बार डॉक्टर से अब दिखा ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो डॉक्टर बोली कुछ कुछ टॉनिक दी कि ये सब पियो, और उसके बाद हमें मतलब बताई कि ऐसे ऐसे खाना पीना खाओ, ये खाओ, बस यही था और कुछ बिल्कुल जी और कुछ नहीं था। तो यह नॉर्मल सा चेकअप था, तो प्लीज आप लोग जो है अभी प्रेगनेंसी पर नहीं सोची, या को रोटी बनाने भी जाना है, तो अब ऐसा करते हैं जी आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। और हाँ जी हमारी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।